अरे सुन लेने के लिए, ये सामने दिख रहा है मैग्टी स्टोर, इसका मिलवा दो। तो मैंने कहा ऑनलाइन ले लेते हैं, यहीं से पिक कर लेते हैं। तो तीसरे स्टोर पर जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि जॉर्जिया जाए तो कौन सा सिम कार्ड बेस्ट रहेगा। तो जॉर्जिया में तीन प्लेयर हैं, मैग्टी, दूसरे नंबर पे है सेल्फी, तीसरे नंबर पे है सिल्कनेट। आज जा रहा हूँ मैं रोस्ता वाली एवेन्यू के पास, वहाँ पर तीन चार स्टोर एक साथ हैं तीनों के ही। तो जा रहे हैं सिम लेने के लिए, दोनों में देखेंगे जिसमें बेटर प्लान मिलेगा, सस्ता मिलेगा। हमें कुछ ऐसे जंगलों में जाना नहीं है, सिटी सिटी में, तो दोनों का नेटवर्क ठीक ही रहेगा। सिम कार्ड की दुकान है, पहले इससे पूछ लेते हैं ऑफिशियल स्टोर में जाने से पहले। उससे पता कि यहाँ तो बहुत महंगा बता रहा है, 50-55 हमारे से कम कुछ हो गए। आपके एक्सक्लूसिव स्टोर पे ही 10 दिन मिलेगी। को भी जाना है तो मैग्टी या फिर सेल्फी, सिल्कनेट, इन कंपनी है। सेल्फी सबसे सस्ता है, बट बोलते हैं कि उसका नेटवर्क टीरियर एरियाज में सही नहीं आता। मार्केट साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ आपको। ये सामने दिख रहा है मैग्टी स्टोर। मैग्टी स्टोर की दिक्कत ये है कि संडे को मैक्सिमम बंद होते हैं। हम लोग स्टोर यहाँ पे देखते हैं खुला है कि नहीं। इसने बताया है 30 लारी 30 दिन का 5 GB, 10 लारी का सिम, 12 का 5 GB, 30 दिन का रिचार्ज और 1 कैरियर कुछ गवर्नमेंट एक्टिवेशन फीस। टोटल 30 लारी 5 GB 30 दिन। अच्छा थोड़ा आगे चलेंगे मैक्टी से रास्ता वेन्यू पे ही, तो ये आ गया है सेल्फी स्टोर। ये बोलते हैं कुछ स्लाइटली चीपर है। मोहतरमा बैठी है, हमें वाईफाई कनेक्ट कर रही है, ऑनलाइन कुछ सस्ता मिलवा दो। तो मैंने कहा ऑनलाइन ले लेते हैं, यहीं से पिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। वाले से ये सस्ता है, 5 GB 30 दिन, 50 मिनट कॉलिंग, 7 लारी का डेटा प्लान, 1 लारी का सिम और 5 लारी का एक्स्टेंडेड प्लान, जिसमें 50 मिनट डेटा और 1 GB मिलेगा। तो टोटल आई थिंक 6 GB हो जाएगा 13 लारी में, विच इज मच बेटर देन मैग्टी वाला प्लान। जो लेडी कल उस पर मिली थी स्टोर में, हमारे होटल के पास जो बिल्कुल छोटा सा स्टोर है, बोला था सेल्फी यूज़ कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वही ले लो। डाल रहे हैं सिम। ये इंटरनेट की स्पीड हमारे इंडिया के फाइबर लैंडलाइन से भी बढ़िया, लगभग 300 MBPS डाउनलोड और अपलोड हो, दिखाता हूँ। थोड़ा कम है बट ठीक है, दैट इज़ फाइन, लगभग 40-42 के आसपास। वो तीसरे स्टोर पर जा रहे हैं, अपने सिम ले लिया है वर्ष की डाटा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हम तीसरे स्टोर पर भी एक बार विजिट करके उनसे भी रेट पूछ लेते हैं। सामने सिल्कनेट का स्टोर है, 7 लारी का प्लान है, 6 GB डेटा मिलेगा, 5 लारी का सिम है, तो इसके पास भी वही लगभग सेम प्लान है तेरा। ट्रिप वाला एक्सपीरियंस बताता हूँ। सेल्फी लिया था, ओके था, कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। कुछ एरियाज में जैसे रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पर मैग्टी का नेटवर्क अच्छा है और सेल्फी कई कई जगह डाटा खत्म हो जाता है। जैसे कि जा रहा था तबिलिसी से बाटूमी ट्रेन में, तो बीच में डाटा गायब हो जाता था, नेटवर्क उड़ जाता था। आई एम नॉट श्योर मैग्टी में ऐसा होता है नहीं होता, बट जितना इंटरनेट पर लिखा है मैग्टी का, कहते हैं कि नेटवर्क अच्छा है। अगर आप कहीं रिमोट एरियाज में जाना है, कहीं विलेज में जाके रहना है, ट्रैकिंग करना है रिमोट एरियाज में, तो आई वुड एडवाइस कि आप मैग्टी लें, सेल्फी ना लें। बट अगर आपको मेन सिटीज में ही रहना है जैसे बाटूमी, कुटाईसी, तबिलिसी, तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। 5G नेटवर्क अच्छा है, कोई इशू नहीं आया। तरीका तो हो सकता है कि आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करके जाएं, एयरटेल का, जियो का, जो भी सिम है आपके पास। एयरटेल प्रीपेड सस्ता रहता है, अगर आपके पास एयरटेल प्रीपेड नहीं है तो आई वुड एडवाइस कि एक सिम लेके उस पर एक्टिवेट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। जियो के प्लान भी महंगे हैं इंटरनेशनल रोमिंग के, और जियो में वो फैसिलिटी भी रहता है कि बिना कोई प्लान लिए आप नॉर्मल इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करके जा सकते हैं, पर यूजर चार्ज करता है। बट ऐसा भूल के भी मत करिए, क्योंकि जियो का जॉर्जिया में चार्जेस बहुत ज़्यादा है, 300-400 रुपये मिनट कॉल है। भूल के भी जियो से कॉल मत रिसीव कीजिए अगर आपका इंटरनेशनल रोमिंग प्लान नहीं लिया हुआ है, खाली इंटरनेशनल रोमिंग अगर एक्टिवेटेड करके जा रहे हैं तो। एयरटेल बेटर है 899 प्रीपेड में, 1 GB 10 डे देता है और कुछ 100 मिनट का कॉलिंग देता है इंडिया। आई वुड एडवाइस कि आप वहाँ जाके खरीदे तो बेटर है, क्योंकि वो आपको डाटा भी ज़्यादा मिलेगा और चीपर भी रहेगा। बस ठीक है, इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं मिलेगा, वो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, इसमें खास इशू नहीं है। जब आपके पास ज़्यादा डेटा होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा दिक्कत ये रहता है कि अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग नहीं लेके जाते, वहाँ एयरपोर्ट पे निकलते ही जरूरत होगी लेट्स से टैक्सी बुक करने की या कोऑर्डिनेट करने की, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एयरपोर्ट पे तो आपको वाईफाई मिल जाएगा, तो वहाँ से भी बुक करके बाहर निकल सकते हैं, या फिर होटल के साथ प्री बुकिंग कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल रोमिंग नहीं ले रहे, मैं एडवाइस करूंगा कहीं जाके जो सिम लें वो एयरपोर्ट से ना लें पहली चीज़ तो, और एयरपोर्ट पे जबरदस्ती महंगे प्लान होते हैं।
दूसरा तरीका है, अगर आपके पास वन प्लस या रियलमी का फोन है तो उसमें सेटिंग में जाके एक ओरोमिंग फंक्शनैलिटी होती है, तो ये आपको ओरोमिंग का भी दिखा देता हूँ। ये एक वन प्लस फोन है, मैं आप गए सेटिंग में, के अंदर आप जाएंगे मोबाइल नेटवर्क में, इसमें नीचे आपको ये ऑप्शन दिखेगा ओरोमिंग, जाएंगे इसमें आप कंट्री सर्च करेंगे, लेट्स से जॉर्जिया, इसमें देखेंगे ये प्लान दिखा रहा है 100 MB वन डे USD, तो यहाँ जाके आप खरीद लेंगे। जब आप जॉर्जिया एंटर कर जाएंगे तो इसमें यहाँ पर एक एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, बेसिकली आपका नेट चलना शुरू हो जाएगा, एक दिन के लिए आपको 100 MB मिल जाएगा, बट ये वहीं जाकर एक्टिवेट होगा, इंडिया से नहीं होगा। तो इंडिया से खरीद के जाना है, बट एक्टिवेट वहीं जाके करना है जब आप जॉर्जिया के नेटवर्क में हो। अगर आप लेट्स से यूज़ नहीं करते तो आप इसको रिफंड भी ले सकते हैं।